एक दिन बीरबल दरबार में बहुत देरी से आए। बादशाह अकबर ने उनसे देरी से आने का कारण जानना चाहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह मैं अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा रहा था। अकबर ने पूछा कि क्या बच्चे को चुप कराना इतना कठिन काम है? बीरबल, हाँ वो वाकई बहुत मुश्किल काम है। बीरबल ने पूछा कि क्या आप उसे करने की कोशिश करेंगे? कृपा आप कुछ समय के लिए पिता की भूमिका निभाएं। बीरबल ने सुझाव दिया, अकबर राजी हो गया। फिर अकबर ने पिता का रोल निभाया और बीरबल बच्चा बन गया। बीरबल ने एक थैले की फरमाइश की और उसके तुरंत बाद खाने के लिए मिठाई और खेलने के लिए खिलौना मांगे। अकबर ने अपने आदमियों से वो सारी चीजें लाने को कहा। फिर बीरबल ने एक असली हाथी की मांग की। अकबर ने अपने आदमियों से तुरंत हाथी लाने को कहा। बीरबल ने कहा, अब अपने इस हाथी को इस थैले में डालें। अकबर ने खिलौने वाले हाथी को थैले में डालने की बहुत कोशिश की। बच्चा बना। बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं, आप असली हाथी को इस थैले में डालें। यह कहकर बच्चा बने बीरबल ने रोने लगा। अकबर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एक बच्चे को मनाना बेहद मुश्किल काम है। अकबर ने बीरबल से अपनी सहमति जताई। तो बच्चों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस डिजिटल स्टोरीज टीवी चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो।